आपके पास कोई लिरिक्स वेबसाइट्स है, या आपके पास कोई स्टेटस वेबसाइट्स है, या आपके पास कोई मूवी वेबसाइट्स है जो अभी आपने रिसेंट में बनाई है मेरे प्रीवियस वीडियो देख देख कर, ठीक है। तो दोस्तों मैं अब उस पर जो मेरा सेशन चल रहा है वो लिंक बिल्डिंग का चल रहा है, ट्रैफिक जनरेट का चल रहा है। तो मैं आपको ऐसे ही इंस्टेंट अप्रूवल लिंक के बारे में बताने वाला हूँ, जो आप जैसे ही उसमें सबमिशन करेंगे, अपनी साइट को सबमिट करेंगे, तो आपको इंस्टेंटली एक डू फॉलो लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, जिसका DAPA काफ़ी अच्छा होगा। तो दोस्तों मेरा नाम है गौरव गौतम, और आज मैं जो आप ये देख रहे हैं, ये मेरी एस डिजिटेक, ये मेरी खुद की वेबसाइट्स है, और इस पर आप विजिटर वगैरह भी देख सकते हैं, जो मैं इस पर डेली एक्टिविटी में करता रहता हूँ। हिंदी मेरा ब्लॉग है ये, जो मैं मतलब सारा जो डिजिटल मार्केटिंग होता है उसके बारे में इसमें मैं ब्रीफ करता रहता हूँ कि क्या क्या हमें ऐसा करना चाहिए ताकि हमारी वेबसाइट्स गूगल में रैंक करें और हमारा बिजनेस ग्रो करे। तो मेरे लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे, आपको ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, और आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ करने वाला हूँ कैसे हम लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं, आप मेरी वेबसाइट पर ये सभी लिंक बिल्डिंग, जैसे डायरेक्टरी, बुक मार्किंग, क्लासीफाइड, बिजनेस लिस्टिंग, ETC, मतलब बहुत सारे जो इंस्टेंट हैं, जो 2020 में काफ़ी ग्रोइंग कर रहे हैं, तो वो सारी बैकलिंक मेरे इसमें बैकलिंक देख सकते हैं। लेकिन नो फॉलो बैकलिंक भी काफ़ी हैं, लेकिन डू फॉलो मोस्टली ज़्यादा है। जो नो फॉलो होते हैं उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स मंथली आप मेरा देख सकते हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स मेरे देख सकते हैं, जो मेरा कीवर्ड्स इसमें काफ़ी रैंक कर रहे हैं। पहले जो मेरा विजिटर थे वो बहुत कम होते थे, जैसे ही मैंने अपना मतलब एक लिंक बिल्डिंग स्टार्ट किया तो मेरे विजिटर काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं, 1400, 1500, 1600 पर डे का आ रहा है। तो 1400, 1500, 1600, 1700 मतलब विजिटर डेली आने का मतलब है $1-2 आपकी वेबसाइट पर अर्निंग हो जाना सीख सकते हैं। तो आज मैं इस पूरा जो लिंक बिल्डिंग है उसमें आप, अगर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मेरी एज डिजिटेक वेबसाइट पर आएँ और यहाँ से आप वन बाई वन सभी अपनी वेबसाइट के लिए लिंक बना सकते हैं, और आपको डायरेक्टरी सबमिशन की इंस्टेंट अप्रूवल की लिंक वगैरह भी लिस्टेड मिल जाएगी। तो जैसे ये मेरा ब्लॉग है और ये मेरा पोस्ट है जो मैंने इसमें ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम फर्स्टली ये जितने भी हाइपर लिंक है इस पर आप क्लिक करेंगे, हाई रैंक डायरेक्टरी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये एक वेबसाइट पर चला जाएगा, ठीक है। वेबसाइट पर चला गया, वेबसाइट पर जाने के बाद इसमें सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्टरी सबमिशन होता क्या है। डायरेक्टरी सबमिशन आपने पहले सुना होगा, जो वेबसाइट जो एक बुक्स होती थी, जो जहाँ की हमें अब नंबर हमें फाइंड आउट करने होते थे, तो हमें एक डायरेक्टरी नाम रख दिया गया था उसका, कि एक मोस्टली सारी इंफॉर्मेशन उसमें उसकी मिल जाती थी, कि ये उसमें मोस्टली सभी नंबर मिल जाते थे, ठीक है, किसी भी कंट्री का, किसी भी बंदे का जो पॉपुलर होते थे। तो इसमें भी सेम डिटो ऐसा ही है, इसमें कैटेगरी वाइज, अगर आपका बिजनेस है आर्ट या इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर या एजुकेशन या आप हेल्थ वगैरह में डील करते हैं, तो आप इसमें अपनी एक कैटेगरी चॉइस कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मेरा कंप्यूटर है इंटरनेट और एजुकेशन में मैं मोस्टली ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, ताकि मैं एक कोर्स वगैरह भी कराता हूँ ऑनलाइन, जो डिजिटल मार्केटिंग का होता है, और ये ऑनलाइन कोर्स चलता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना इसमें कोई पैसा देना होता है। आप अपनी वेबसाइट के लिए डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन सीख सकते हैं, और जैसे आप मेरा बिजनेस टू बिजनेस में भी डाल सकते हैं, जैसे बिजनेस टू बिजनेस में आप इसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद आपने कैटेगरी चॉइस कर ली, कैटेगरी चॉइस करने के बाद एड ए लिंक टुडे, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो इसमें ये आप क्लिक करना है रेगुलर लिंक पे, लेकिन इसमें लिखा है रिव्यू इन 2-3 मंथ बाय आवर ह्यूमन एडिटर, उनके जो अपने एडिटर हैं वो आपकी जो आपने सबमिशन करेंगे उसमें आपका रिव्यू करेंगे कि आपने सबमिशन सही किया है या नहीं किया है। अब यहाँ पे आप टाइटल डालेंगे, टाइटल मींस जो आप जिस कीवर्ड्स के लिए आप काम करना चाहते हैं, जिस पर रैंक कराना चाहते हैं, उस पर टाइटल डाला जाएगा। आपकी वेबसाइट का URL डालेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, एक कीवर्ड्स आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं विदाउट कॉमे के, ठीक है, और यहाँ पे आप एक छोटा डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। आप अपना नाम यहाँ पे डाल दें और फिर एक ईमेल ID डाल दें। ईमेल ID डालने के बाद यहाँ पे आप जो ये कैप्चा लिखा हुआ है, इस कैप्चा को यहाँ पे फुलफिल कर दें। फुलफिल करने के बाद आपको एग्री पर क्लिक करना और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको
आपको आसानी से ये एक लिंक मिल जाएगा, और ये विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको एक बैक लिंक आपकी वेबसाइट पर प्रोवाइड हो जाएगा। मोस्टली अगर आपकी वेबसाइट पर जितने अच्छे बैक लिंक होंगे, अगर आप कोई भी लिंक पब्लिश करते हैं, तो आपका एज इट इज आपका वो जितना भी ब्लॉग है वो गूगल में ऑटोमेटिकली क्रॉल करेगा। तो मेरे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन हैं, अगर आपको लिस्ट चाहिए तो मेरी ये वेबसाइट्स है एस डिजिटेक, इस पर जाके आप लिस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ये दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं मैं किस टॉपिक पर और वीडियो बनाऊं, ताकि मैं इजीली आपको समझा सकूं, और कैसे मैं यार पूरा ऑल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आपको सिखा दूंगा। एक अगर वेबसाइट आपने लिरिक्स बना दी तो उस पर एडसेंस से कैसे अर्निंग करना है, और कैसे आप उससे एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं, वो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगा। तो ये मेरा यस्टरडे का आप देख सकते हैं, मतलब अभी कुछ मोस्टली कम अर्निंग हो रही है, लेकिन ये मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। और मैं अगर आपके पे भी एड लिमिट लग चुकी है तो वो कैसे रिमूव करनी है मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।